गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? मेरे हिसाब से अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक नया रेस को आपके सामने लेके आएंगे। मेरे पास उस तरह से टेलीफोन आया है, आने को तो जल्दी मॉर्निंग में आ गया था, पर तो काम मेरे भी खुद के पर्सनल काम होते हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लेके चलेंगे आपको नए रेस को पे। आपको आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो आप बने रहें वीडियो के एंड तक। और आज 25 जुलाई 2021 और हम सेवा के लिए निकल रहे हैं। हमारा जो कर्तव्य है वो हम निभा रहे हैं। तो आप देखिए, आपको आई होप अच्छा लगेगा, क्योंकि नाग भी है, जैसा हमको मेरे को बताया है, बड़ी क्रिटिकल स्थितियों में बैठा हुआ है। गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके कोलुओं के अंदर बैठा हुआ है और कल से बैठा हुआ है। बता रहे हैं सांप के काचली वगैरह आ रही है, तो वहीं चल के पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहें और दिखाते हैं आपको हम सांप कौन सा है और नई जानकारी के साथ नए सफर में मिलते हैं फिर। दोस्तों, हम आ गए हैं कुस्तला। कुस्तला में और ये मकान है, इसमें बता रहे हैं ये। और आपने किया था मेरा टेलीफोन? आपका नाम है ब्रजमोहन जी? अच्छा, चलो दिखाओ कौन सा है। घर के अंदर प्रवेश करते हैं और राम राम साहब, राम राम साहब, दिख रहा है? रात भर के तो क्या है, यहाँ पे आधे निकलते हैं वहाँ से, उधर से इधर, इधर से इधर, और अभी गए तो इधर की जो है। यहाँ पर सांप है इसमें। चलो ठीक है, आप सब यहीं रहते हो? हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब चैनल है हमारा। आप सब परिवार के ही हो? सब परिवार के। इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा और काफी लंबा है, लगभग 4.5 फीट 4.5 फीट। हाँ, 4.5 फीट का है। फ्रेम आ रहा ना? फ्रेम में लेना ना, इसको हमने रेस्क्यू कर लिया है, इसको लाते हैं हम नीचे। नहीं, डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल 1% डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत आप, डरो मत, ये जंतु है, भोले जी है, आ जाते हैं ये। अच्छा अच्छा, नागराज फिर से आ गए आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठो 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 बैठो। फ्रेम में रखना दोनों का है। देखो जी, ये जीव जंतु है, इनसे डरना नहीं चाहिए, इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। जो आपने किया है, डर तो रहता है। हाँ नहीं, डर तो रहता है और डरना अच्छी बात भी है, परंतु इतना भी नहीं। कई जगह गांव देहातियों में मार देते हैं इनको, मारना नहीं चाहिए। हमारी धरती पर हमारी धरती पर ऐसे जीव बहुत कम हो गए हैं, विलुप्ति के कगार पर है। और इस उम्र में पहुंचने के लिए इनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये लगभग कम से कम 15-16 साल का है और जवान नाग है। अब ये आ गया, कैसे आ गया, ये भूले भटके आ गया। अपन सामाजिक प्राणी है, अपने पास खाने पीने के सब संसाधन होते हैं और उनको खाने के लिए चूहे आते हैं और चूहों के चक्कर में आ जाता है और ये गलती से आ गया।
फिर कोई बात नहीं, गलती इसकी नहीं है, गलती तो सब मनुष्य की है, क्योंकि मनुष्य ने पर्यावरण का सारा संतुलन बिगाड़ गया, जंगल लगातार काट दिए हैं, मैदानी क्षेत्र हो गए हैं, वहाँ खेती बाड़ी होने लग गई, उसके बाद में वहाँ पे प्लॉटिंग हो गई और वहाँ जमीन खरीद के मनुष्य रहने लग गए हैं। तो इनका दोष नहीं है, कहीं ना कहीं कमी हमारी है मनुष्यों की। तो इसलिए क्या है, जीवन परमात्मा ने सबको इकसार दिया है, सबको जीने का हक है। तो ये बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। मेरा बैग ला दो, बेटा बैग ले। जीव जंतु साहब आ जाते हैं, और मेरे साथियों, मेरे वीडियो के माध्यम से मैं एक बात और कहूँगा, हमारे भारत देश की टीम ओलंपिक के लिए जापान गई है, हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और गेम खेल रहे हैं वहाँ पर, जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो सके, हमारे देश का नाम रोशन हो सके। और कल हमारे देश ने एक मेडल भी जीता है, सिल्वर मेडल, और उनका नाम है मीराबाई। तो मीराबाई को हम बहुत बहुत बधाई देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, गौरव में किया है। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि हमारे देश की टीम का उत्साहवर्धन करें, क्योंकि ये हमारे देश का मान सम्मान की बात है और पूरे विश्व में गौरव की बात है। और हम दुआ करेंगे सब मिलकर, ऊपर वाले से पे करेंगे कि सबसे ज़्यादा मेडल हमारे देश को आए, क्योंकि हमारा देश है तो हम हैं और हम हैं तो देश है। इसलिए दोस्तों अब हम इसको लेके चलेंगे, बहुत प्यारा नाग है, इसका नाम है सर इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको हम भारतीय नाग बोलते हैं, आपके यहाँ शायद काड़ा बोलते हैं, बहुत भोले वाले जीव होते हैं, प्यारे जीव होते हैं, बहुत सुंदर। देखो बैठो नागराज, बैठो बैठो बैठो, तसली देखो आप, रुद्र रूप देखो इसका, दिखाओ जी भाई इसका रुद्र रूप दिखाओ, बहुत सुंदर शांत। मैं वैसा एक प्राइवेट आदमी हूँ और इन जीव जंतुओं को बचाने के लिए लगा रहता हूँ, 18-19 साल से लगातार मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ, आप लोगों का भय दूर करता हूँ, दर्द दूर करता हूँ और ऐसे जीव जंतुओं को बचाता हूँ। और ये हम सब निःशुल्क करते हैं, इसके लिए हम कोई किसी से पैसा देना कुछ नहीं है, इसलिए नहीं लेते क्योंकि लोग बाग क्या है कि दिमाग में आ जाए उनके, यार ये तो कौन तो बुलाएगा, कौन पैसा देगा, मार मूर के बंद बैठो यार, इसलिए हम पैसा किसी से नहीं लेते। तो आज हम सवाई माधोपुर से कम से कम 10-11 किलोमीटर दूर आए हैं और इस जीव को लेना, ये इनकी टपरी पे ऊपर बैठा हुआ था, किनका मकान है आपका? हाँ, ब्रजमोहन जी शर्मा जी के मकान में से हम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा रेस्क्यू कर रहे हैं, आ जाओ ना। हेल्दी नहीं है यार, ये भूखा है, ये भूखा हो रहा है, सारी रात ही मतलब जगह जा रहा है, भूखा ही है, भूखा में गाय है, सही जगह जा रहा है, चल चल वापस निकल गया, वापस निकल गया, कालो से हां काला। अब जाने में इसको इसको देख लिया ना, अब जाने में दिक्कत करेगा ये, इसके अंदर एक बार निकले हैं, निकलने के बाद में दिक्कत करता है, अब इसमें अंदर जाने में दिक्कत करेगा, छोटा है ये, छोटा नहीं है, खूब बड़ा है सर, ये डिब्बा इसमें तो बहुत, कल हमने तो बहुत बड़ा नाग पकड़ा इसके अंदर, आ जाते हैं तो ये घबरा रहा ना, घबरा रहा है, जीव जंतु घबरा जाते हैं, इंडियन स्पेक्टिकल फ्रेमर, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ग्राम कुस्तला से हमने रेस्क्यू किया है ब्रजमोहन जी शर्मा जी के यहाँ से,
और पुनर्वास हेतु हम इसको इसके जंगलों में, इसके जंगल के माहौल में इसको छोड़ देंगे, रणथंभौर के जंगलों में, जिससे ये आगे का जीवन जिएगा और इसको इसका एक नया जीवन मिलेगा। और इन सबको हम मेरे वीडियो के माध्यम से, जो मेरा चैनल है स्नेक कैचर रणथंभौर सवाई माधोपुर के माध्यम से, पुनः फिर से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन्होंने रात को आ गया था, इन्होंने वेट किया मेरा, सुबह जल्दी कॉल कर दिया था, तो मैं थोड़ा किसी कारणवश नहीं आ पाया, इसलिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इस जीव को इन्होंने बचाए रखा। तो हम इसको लेके चलते हैं, वीडियो में बने रहे, इसकी रिलीजिंग हम रणथंभौर जंगल में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम। तो मेरे दोस्तों, आ गए हैं हम रणथंभौर अभयारण्य टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, और साथ में लाए इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। और आज मैं रेस्क्यू पे अकेला ही गया था, क्योंकि सुबह अंधा मॉर्निंग मेरे पास टेलीफोन आया और मैं तुरंत जल्दी मॉर्निंग में निकल गया। और अब मेरे पास रिलीजिंग में मेरे साथ आए हैं मुन्नू श्रीवास्तव, जय श्री राम, और ये अच्छे रेस्क्यूअर हैं। और अभी रिलीजिंग में हम आ गए हैं, अब हम दिखाते हैं आपको नाग की रिलीजिंग। और मेरे दोस्तों, हमारा बहुत प्यारा जंगल है, और जंगल का दीदार कीजिए आप, भयानक जंगल है, और हम यहाँ पर कई सांप छोड़ चुके हैं। और मेरे मित्रों, जैसे कि मैंने वीडियो में उस समय रेस्क्यू में कहा था, हमारी भारतीय टीम जापान गई है ओलंपिक खेलने, तो उनका उत्साह वर्धन करें। और जो हमारी मीरा जी हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो हम यही चाहेंगे कि दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत हो और हमारी टीम हमारे भारत देश का नाम रोशन करे। सबसे ज़्यादा मेडल हमारे भारत देश को मिले, देश का नाम रोशन हो और दुनिया में हमारा देश एक नाम से पहचाना जाए, वैसे पहचाना जाता है। और मैं इसी बात को लेके एक बात कहूँगा पूरी दुनिया के लोगों से, कि सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो, और हमेशा हिंदुस्तानी आगे रहता है। और हम इस जीव को छोड़ते हैं, बड़ा प्यारा नाग है। और मेरे साथ रिलीजिंग में मुन्नू श्रीवास्तव, और मुझे आप जानते ही हो, जीव प्रेमी लोग के साहू, हम इसको छोड़ते हैं। जाओ भाई दोस्त, जीले तेरा जीवन, और बहुत अच्छी जगह लाए हैं हम आपको, जाइए जाइए, जाओ जाइए, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, जाओ। कल हमने यहीं छोड़ा था एक नाग, कैसे कैसी स्टाइल में निकला था वो भी कल, जाओ 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 जाओ, इसको निकलने का मन ही नहीं कर रहा, जाइए जाइए, जाओ जाओ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नागराज, हम तुम्हें छोड़ने आए हैं, हमारे को कोई दिक्कत, हमारे को कोई वो नहीं है तुम्हारी क्षति पहुँचाने की, जाओ, जंगल पूरा पड़ा है आपके लिए। और मेरे दोस्तों, जीवन बहुत बड़ा होता है, और मालिक ने अगर हमें जीवन दिया है तो उसको भरपूर जिंदगी, भरपूर आनंद के साथ जीना चाहिए। ऐसे जीव जंतुओं को भी जीने का मौका देना चाहिए। ये जीव जंतु हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़रूरी है, हमारे पर्यावरण में बहुत ज़रूरी है। देखो आप कुदरत की सुंदरता, विशाल सुंदरता, रुद्र रूप, ये कुदरत की शक्ति है, और इनका मान सम्मान करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ऐसे जीव जंतु बने रहें दुनिया में, और हम उनका धन्यवाद करेंगे कुस्तला में, जिन्होंने हमें बुलाया। वो बड़े धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे, ब्रजमोहन जी शर्मा उनका नाम है, वो हमारे रणथंभौर में नेचर गाइड है। उनके दिल में दया है, प्रेम है, भाव है, करुणा है, और ये सब होना चाहिए। तो हम ये जीव को ले आए हैं सुंदर वादियों में, और हम इसको छोड़ते हैं। ये बैठ गया है, परंतु अभी जाएगा नहीं, जब तक हम भी इसको छोड़ के नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि ये एक बार इसका रास्ता पकड़ ले, तो हम भी हमारे घर जाएंगे, तो मेरे पास बहुत सारे काम है। जाओ नागराज, जा सकते हो आप, ऐसे जाएगा नहीं है, आ रही है, जाओ 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 जाओ, ऐसे नहीं जाएगा।
जाएगा ही नहीं, ऐसे जाएगा ही नहीं। जा रहा ले जी, ले जी इसको। बहुत सुंदर, विशाल सुंदरता, वेरी नाइस, बहुत खूब, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे जीव बने रहे दुनिया में, और जाओ जी लो अपना जीवन, और मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो। बहुत बढ़िया, ये जा चुका है मेरे दोस्तों, और मेरे दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगा सभी से जो मेरा YouTube चैनल देखते हैं, हमने सांप को रेस्क्यू किया, उसको रिलीज किया, तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने लोगों में, जिससे लोगों के अंदर चेतना फैले, जानकारी फैले ऐसे जीव जंतुओं को बचाने के लिए, कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पर्यावरण में। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वीडियो बनाते इसलिए हैं, चैनल बनाए इसलिए कि आप लोगों को जानकारी दे सकें कि जीव जंतु हमारे बीच में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो मेरे दोस्तों, जीवन देना और जीवन लेना तो उस मालिक के हाथ में है, हम कहीं कुछ नहीं हो सक, कुछ नहीं है, हम तो हमारा एक कर्म निभा रहे हैं, और ये जीव जंतु जीते रहें इस दुनिया में, पर्यावरण को बनाए रखें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम चलेंगे, अब इसको छोड़ दिया है हमने, दिल को बड़ी तसल्ली है, आत्मा को बड़ा सुकून है। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी जीव की जान बचाते हुए, किसी रेप्टाइल की, किसी नाग की, किसी सांप की, किसी गोर्रे की, और उन परिवारों को भय दूर करते हुए, उनका डर दूर करते हुए, जहाँ पर ये जीव जंतु भूले भटके आ जाते हैं। तो मिलते हैं फिर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और गर्व से करेंगे वंदे मातरम, जय सियाराम।